दोस्तों, आज के समय में फेसबुक तो हर किसी के मोबाइल में होती होती है और आप इस फेसबुक का यूज़ हमेशा ही करते होंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप इस फेसबुक का यूज़ करते हैं तो आपकी जो फ़ोन की जो बैटरी होती है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये कंज्यूम करती रहती है। ऐसे में आपको कुछ सेटिंग करनी होगी फेसबुक के अंदर, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। वो ये सेटिंग कर लेते हो तो आपकी फ़ोन की बैटरी जो एक दिन चलने वाली है वो 2 दिन चलेगी। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी सेटिंग है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पर आपको जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे कमेंट में जाना और यहाँ पर आपको लिखना है बैटरी। बैटरी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसे सेंड कर देना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक की कैसे कौन सी सेटिंग करनी है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के अंदर बैटरी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर जाना है और दबा के रखना है। जैसे आप इसको दबा के रखोगे तो यहाँ पे दोस्तों ऐप इन्फो के ऊपर चले जाना है। तो जैसे आप ऐप इन्फो जाओगे तो यहाँ पे पूरी सेटिंग यहाँ पे खुलकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बैटरी दिख रहा होगा, बैटरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बैटरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेज इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी आ जाएगी। तो यहाँ से आपको ढूंढनी है हमारी फेसबुक। तो यहाँ पे ये फेसबुक आ चुकी है, इसके ऊपर आपको राइट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से वो फेसबुक वाली जो है फेसबुक यहाँ पे गायब हो जाएगी। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, ये जो आपका बंद रहेगा इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट, इसको बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चीज़ कर लेनी है। ये तो होगी दोस्तों पहली सेटिंग। अब यहाँ पे आप बैटरी ऑप्टिमाइज हो गई और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है रन करने वाली थी वो भी आपने यहाँ से बंद कर दी। तो अब आपका काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना होगा, आप अपने फेसबुक में जाना है और यहाँ से दोस्तों एक सेटिंग करनी होगी। तो फेसबुक में जाने के बाद यहाँ पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है, फिर यहाँ पे नीचे नीचे आपको एक सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। फिर यहाँ पे आपको इसके अंदर इस सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे नीचे जाना है और लोकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये वेन यूजिंग दिखा रहा है, तो इसको आपको बंद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गो टू डिवाइस सेटिंग इसके अंदर जाना है और एडवांस यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। तो फिर से आप इसके अंदर आ जाओगे, जो पहले थे ना वहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन में जाना है और यहाँ पे इसको बंद कर देना है, यहाँ पे डिने कर देना है। अब इससे क्या होगा कि फेसबुक जब भी आप इस लोकेशन को यूज लेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है बैटरी ये कंज्यूम करता रहता है, कि लोकेशन ढूंढता रहता है आपकी लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ से इसको आपको कंज्यूम कर देना है। तो अब आपकी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा चलने वाली है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, आपने फेसबुक के अंदर सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आप अपने फ़ोन की बैटरी को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला पाएंगे।